हाय गाइस, वेलकम टू बात एंड बॉल। मैं हूं आपके साथ में प्रशांत। कहते हैं ना कि इतना भी ना गुमान कर अपनी जीत पे बेखबर, तेरी जीत से ज़्यादा मेरी हार के चर्चे हैं। ऐसा ही कुछ टीम इंडिया के साथ में हो रहा है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हारे न्यूजीलैंड से। चैंपियनशिप जीतने की इतनी बात नहीं हो रही जितनी इंडिया के हारने की बात हो रही है। इस बीच न्यूजीलैंड की एक वेबसाइट है, अल्टरनेटिव कमेंट्री कलेक्टिव। इस वेबसाइट ने एक फ़ोटो पोस्ट करी है अपने इंस्टाग्राम पर। ये फ़ोटो आप देख सकते हैं किस तरह की फ़ोटो है। इसमें आपको एक औरत दिख रही है, एक आदमी दिख रहा है, और औरत ने आदमी के गले में पट्टा डाल रखा है। औरत को काइली जेमिसन नाम दिया गया है और आदमी को विराट कोहली नाम दिया गया है। इसके बाद इस खबर जो ये खबर थी आग की तरह फैलने लगी और हर जगह अब न्यूजीलैंड की इस वेबसाइट की फ़ोटो को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। हर जगह बोला जा रहा है ये गलत काम है। जब मैं इस फ़ोटो के कमेंट बॉक्स में गया तो मुझे बहुत सारी इंडियंस जो लोग थे उनके कमेंट मिले। ये कमेंट भी कुछ इस तरह थे, किसी ने लिखा कि आप आपके पेज का बैकअप बना लीजिए क्योंकि इंडिया तक ये फ़ोटो पहुँचने देर नहीं लगेगी। किसी ने लिखा कि रेस्ट इन पीस इस पेज के लिए। किसी ने लिखा कि न्यूजीलैंड बहुत अच्छी टीम है पर इस पेज को ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी। कईयों ने लिखा ये गाली खाने के काम कर रहा है। तो अगर मैं इस फोटो को देखूं और अपनी तरफ से कमेंट करूं तो ये गलत चीज़ है। इससे पहले बांग्लादेश भी ये चीज़ कर चुकी है। हमने देखा था किस तरह से महेंद्र सिंह धोनी की जो गला था उसको गर्दन को पकड़ के उनके जो सनी गेंदबाज थे उनकी फ़ोटो लगाई गई थी, और काफ़ी बार इस तरह की फ़ोटोज़ भी वायरल होती। लेकिन इस तरह की फ़ोटो न्यूजीलैंड से आना मुझे बहुत पर्सनली हैरान कर रही है। और आप दिखा रहे हो कि आप में कितना गुमान है उस जीत का, क्योंकि गुमान कभी नहीं करना चाहिए। चैंपियन बदलते रहते हैं, चैंपियनशिप बदलती रहती है, समय एक सा नहीं होता, स्थिर नहीं होता कुछ भी। लेकिन इस तरह की फ़ोटो पोस्ट करना, ये सच्ची में न्यूजीलैंड के ये बोल सकते हैं कि खेल भावना पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और अगर ज़िम्मेदार वेबसाइट ऐसी खबरें और ऐसी तस्वीरें डालेगी तो फिर जो बाकी के लोग हैं वो क्या कहेंगे। और मैदान पर भी हमने देखा था कि कुछ दर्शकों ने टी शर्ट उतार के हंगामा किया था। उस पर जिमिनिशम जो उनके न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों ने माफ़ी मांगी थी। और अब इस तरह की फ़ोटो आना ये बेहद ख़राब है, और ये दिखा रहा है खेल भावना में किस तरह से न्यूजीलैंड पीछे होता जा रहा है। आपको बता दूं कि फ़ोटो इसलिए पोस्ट की गई है क्योंकि विराट कोहली दोनों बार इनिंग्स में काइली जेमिसन का शिकार हुए थे। पहली बार LBW हुई थी, दूसरी बार कैच आउट हुए थे। तो इसे लेकर अब मीम्स बनाए जा रहे हैं और ऐसे मीम्स कभी पसंद नहीं आते हैं। आप लोगों की क्या राय है इस मीम्स पर ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।